Now, students, let us try to explore the first parameter type, that is in. अब जो in parameter type है वो use होती है to pass the value to the procedure from whom? By the calling program. अगर एक calling program ने एक procedure को multiple time call किया है और उस procedure में parameters pass होने थे, तो अगर multiple time call किया है तो मल्टीपल वैल्यूज होंगी, सेम या डिफरेंट, वो कॉलिंग प्रोसीजर या कॉलिंग प्रोग्राम पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर आपने प्रोसीजर में कोई वैल्यू पास करनी है तो आपने उस पैरामीटर की जो जो टाइप है वो आपने इन रखनी है. अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जो वैल्यू आप पैरामीटर एज अ पैरामीटर एज अ इन टाइप पैरामीटर प्रोसीजर में पास करेंगे, इट विल एक्ट एज अ रीड ओनली वैल्यू. रीड ओनली वैल्यू से मुराद ये है, और ये बहुत क्रिटिकल है, रीड ओनली वैल्यू से मुराद ये है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर, यानी जो जो बिगिन सेक्शन है, यूं कह लें जो बॉडी ऑफ द प्रोसीजर है, उसमें इन पैरामीटर टाइप की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. अगर मैं प्रोसीजर की बॉडी में इन पैरामीटर टाइप की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूंगा या उसको मैं कोई नई वैल्यू असाइन करूंगा इन द प्रोसीजर बॉडी, इट्स एन एरर. एक्सेप्शन नहीं है, एरर है. एरर यह आएगा कि यू कैन नॉट असाइन द इन पैरामीटर टाइप वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसीजर बॉडी. रीजन, इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि इस वैल्यू ने पैरामीटर इस पैरामीटर टाइप की वैल्यू ने प्रोसीजर को ड्राइव करना, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, और ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट है कि यू कैन नॉट रीअसाइन इट्स वैल्यू. यानी अगर प्रोसीजर में आपने पैरामीटर वैल्यू पास की है 4 फॉर एग्जांपल, तो 4 को आप ड्यूरिंग द प्रोसीजर एग्जीक्यूशन 4 को चेंज नहीं कर सकते. इट इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और हमें जो प्रोसीजर है उसके हेडर में बताना पड़ता है. हमने जब सिंटैक्स देखा था तो हेडर में बताना पड़ता है कि पैरामीटर का नाम क्या था और उसकी पैरामीटर टाइप क्या थी. तो जब आप जब किसी की पैरामीटर टाइप हम फॉर एग्जांपल इन डिक्लेयर कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमें जब प्रोसीजर को कॉल करना है हमें इन पैरामीटर टाइप के अगेंस्ट कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है. अगर मैंने फॉर एग्जांपल पैरामीटर टाइप थी फॉर एग्जांपल, यानी पैरामीटर का नाम था ए, उसकी पैरामीटर टाइप थी इन, और उस पैरामीटर की डेटा टाइप थी नंबर, तो जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो मुझे कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो प्रोसीजर में एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा. तो वो जो भी वैल्यू मैं प्रोसीजर में पास करूंगा एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दैट प्रोसीजर, इट इज फिक्स और इट विल एक्ट लाइक अ कांस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ होल प्रोसीजर. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, व्हाट इफ आई स्किप इट. मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ पैरामीटर का नाम दिया और पैरामीटर की टाइप नहीं दी, और फिर आगे डेटा टाइप लिख दी. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए, यानी पैरामीटर का नाम ए, पैरामीटर की टाइप मैंने कुछ नहीं लिखी, और पैरामीटर की डेटा टाइप लिख दी फॉर एग्जाम्पल नंबर. तो बाय डिफॉल्ट अगर आप हेडर में कोई भी पैरामीटर टाइप नहीं लिखते, बाय डिफॉल्ट इट इज इन, मतलब इट विल ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट. अगर नहीं भी लिखेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ फिक्स वैल्यू. अगर लिख देंगे तो इट्स फॉर क्लैरिटी, अगर नहीं लिखेंगे तो इट विल एक्ट लाइक अ कांस्टेंट जो कि आप प्रोसीजर की बॉडी में चेंज नहीं कर सकते. एंड द लास्ट पॉइंट, जितने भी वैल्यूज हम पास करते हैं प्रोसीजर में, दीज वैल्यूज आर पास बाय वैल्यू. जो जितने भी पैरामीटर पासिंग है पीएसक्यू ब्लॉक में, वो पास बाय वैल्यू है. इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं प्रोसीजर में, हो सकता है कि उसको वो लोकल वेरिएबल में कॉपी करे प्रोसीजर को, और प्रोसीजर के अंदर दोबारा उसको गेट करे. तो इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर की कॉल से पहले और प्रोसीजर की कॉल के बाद पैरामीटर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट भी हो सकती है. दिस इज व्हाट अ पास बाय वैल्यू इज. और इसके ऑपोजिट होता है पास बाय रेफरेंस. वो ये होता है कि प्रोसीजर की कॉल से पहले और प्रोसीजर की कॉल के अंदर एंड प्रोसीजर की कॉल के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसमें हम लोग एक्चुअली एड्रेस में जाके चेंज कर रहे होते हैं, और बाय वैल्यू के अंदर हम एड्रेस में चेंज नहीं कर रहे होते, हम पैरामीटर की एक लोकल कॉपी बना रहे होते हैं, उस कॉपी को हम प्रोसीजर में पास कर रहे होते हैं. तो अगर मैंने उस कॉपी में चेंज कर दिया
जो प्रोसीजर में था, तो दिस डज नॉट मीन कि जो ग्लोबल वेरिएबल था यानी जो हमने प्रोसीजर में पास किए वो भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यूं कह लें जो पास बाय वैल्यू है इट इज जस्ट अ पासिंग एन अदर कॉपी ऑफ द वेरिएबल इनटू द प्रोसीजर, और जो पास बाय रेफरेंस है वो हम मेमोरी लोकेशन यानी जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका जो मेमोरी का एड्रेस है वो प्रोसीजर में पास करते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं प्रोसीजर के अंदर तो वो एक्चुअली उस मेमोरी लोकेशन में चेंज हो रही है, तो वो सॉर्ट ऑफ ग्लोबल चेंज है, और जो पास बाय वैल्यू है वो सिर्फ लोकल चेंज है, क्योंकि हम लोग उसमें एड्रेस में चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं या पास बाय वैल्यू कर रहे हैं। हम यानी लोकल कॉपी हमारे पास आती है पास बाय वैल्यू में जस्ट टू अंडरस्टैंड, और जो पास बाय रेफरेंस है उसमें लोकल कॉपी नहीं आती, उसमें हमारे पास एड्रेस आता है ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल जो कि पीएलएसक्यू प्रोसीजर को कहीं से भी कॉल कर रहा है।